दो चार विजुअल हो जाए तुम लोग तो पहले जाके जाएंगे। ढाई बजा नहीं है अभी, ढाई बजे रोल। सर ये अमीनाबाद में कल चोरी हुई थी, आरोपी गिरफ्तार हुआ, सर क्या पूरा मामला बता। ये अमीनाबाद थाना क्षेत्र में आटूस रोड एक स्वर्ण इंटरप्राइजेस के नाम से दुकान है, जिसके मालिक श्री दीपक सहगल है। उनके द्वारा कल थाना अमीनाबाद में सूचना दी गई और रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनकी दुकान का ताला और तिजोरी का ताला काट करके लगभग 2.5 लाख रुपये किसी ने चोरी कर लिए हैं। और ये काफ़ी आप अमीनाबाद और लाटूस रोड का एरिया काफ़ी व्यापारिक क्षेत्र है, जहाँ पर कई दुकानें व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। उस दृष्टिकोण से देखने पर काफ़ी सनसनीखेज घटना थी, क्योंकि दुकान के ताले और तिजोरी के ताले वहाँ से गायब थे, ये प्रतीत हो रहा था कोई काट करके ले गया है। तत्काल हमारी पुलिस टीम वहाँ पर पहुँची, हमें वहाँ पर जो CCTV कैमरे लगे हैं उनकी सहायता से बाकी और वहाँ पूछताछ करके और अपने तंत्र जो हमारा है उसको सक्रिय करके इस घटना की इन्वेस्टिगेशन हमारे द्वारा शुरू की गई। हमारी टीम उसमें एक लगाई गई है स्वामीनाबाद CEO कैसरबाग साहब के नेतृत्व में। हमारी टीम ने जब उस दुकान में काम करने वाले लोगों और ताला किसने किया था सिलसिलेवार इन सबसे पूछताछ प्रारंभ किया, तो उसमें फिर शक के घेरे में उनकी दुकान का ही एक कर्मचारी हिमांशु चौहान आया, जिसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई जिसने दुकान की चोरी करना और उसकी कॉन्स्पिरेसी करना ये कन्फेस कर लिया और पूरे 2,13,960 रुपये जो इसमें दुकान से चुराए थे वो पूरे पैसे इसके पास से बरामद हुए। इससे भी हमारी टीम और पूछताछ कर रही है कि इसने इसमें यदि कोई और इसके साथ प्लानिंग में उसमें सम्मिलित होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो चीज़ें इसमें निकल करके आएंगी उसके आधार पर कड़ी विधि कार्रवाई की जा रही है। जो हमारे व्यापारी भाई बंधु यहाँ पे हैं, इधर लगातार कई घटनाएं उनके साथ जो भी हुई हैं उसमें उनके दुकान के कर्मचारियों के द्वारा ही या कोई कोई नज़दीकी व्यक्तियों के द्वारा ही वो घटनाएँ कारित की गई हैं। इसके संबंध में हमने व्यापार मंडल से भी बात की है और उनको भी एक अवेयरनेस कैंपेन हम चला करके उनको कराएंगे कि उसको अपने जो नौकर हैं उनके दुकान के कर्मचारी हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन वो कराएं और दुकानों पर CCTV कैमरे भी इंस्टॉल करवाएं ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। घटना इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि विगत 3 वर्षों से उनकी दुकान पे काम कर रहा था और जब दुकान बंद होती थी दुकान का ताले ये बंद करने का काम चाबी इसके पास रहती थी और ताले बंद करने का काम करता था। शनिवार को जब इनकी दुकान बंद हो रही थी दुकान का ताला ये बंद करने गया, लेकिन इसके द्वारा वो ताला पूरा नहीं बंद किया गया, उसको केवल फंसा दिया गया उसमें ताकि बाद में आसानी से खोल लिया जा सके। और बाद में फिर अपनी ये प्लानिंग के तहत वहाँ पे आया और ताले खोल करके अंदर से तिजोरी से वो पैसे निकाल करके ले गया और ताले वहाँ से गायब करके ताकि लगे कि किसी गैंग के द्वारा बड़े गैंग के द्वारा ये घटना कारित की गई है। लेकिन हमारी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और लोगों से पूछताछ हुई उसमें ये टूट गया और पूरी घटना का 24 घंटे के अंदर हमारी टीम ने अनावरण कर दिया। नहीं अभी तक की घटना में इसके द्वारा अकेले पूरी घटना कारित की गई, बाकी हमारी टीम अभी और पूछताछ कर रही है। नहीं अभी कोई आपराधिक कार्य नहीं। पैसे से क्या करना चाहता था ये कुछ बताया? मैं पैसों का इसके अपने शौक और तमाम फ्रेंडशिप इसकी है जहाँ पे खर्चा करना चाहता था उसी में लालच में आ गया था और काफ़ी दिन से इसकी नज़र वहाँ पे थी। बता रहा कि काफ़ी दिन पहले से प्लानिंग कर रहा था लेकिन इसको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने चूंकि शनिवार को दुकान जब बंद हो रही थी अगले दिन संडे था, संडे को दुकान उनकी बंद रहनी थी, उसी के तहत फिर और उस दिन पैसे भी तिजोरी में रखे हुए थे और उसी लालच के तहत इसने फिर उस घटना को अंजाम दिया। गर्लफ्रेंड वगैरह कोई चक्कर नहीं? इसके फ्रेंड सर्किल वगैरह कई हैं जो कि कई चीज़ें पूछताछ से बताया है, बाकी वो पूछताछ हम कर रहे हैं इससे।